नमस्कार, मैं आमना दाऊद और आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले देश विदेश की खबरों पर एक नजर। कोरोना वायरस व्यापार आ गया, चीन में 908 लोगों की मौत, 40,000 से ज्यादा संक्रमित। दिल्ली चुनाव में कल सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी वोटिंग की गिनती, 27 मतगणना केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा। शाहीनबाग प्रदर्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं, सुनवाई आज। SC ST एक्ट में बिना जांच गिरफ्तारी होगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। अनुच्छेद 370 हटाने पर उमर ने लोगों को भड़काया, महबूबा ने अलगाववादियों का दिया था साथ। उड़ीसा में बिजली के तार के संपर्क में आने से बस में लगी आग, 10 यात्रियों की मौत, 22 घायल। NCB ने शिकंजे में डाकने ड्रग का पहला सबसे बड़ा खिलाड़ी, 55,000 टैबलेट जब्त। देवव्यवहार की सूचना पर छापा, 3 मंजिला मकान के छत से कूदी युवती की मौत। आज से रोहतक में सेना भर्ती शुरू, 23,000 युवा दिखाएंगे दमखम। दिल्ली में घर पर बेटे और बेटी का गला घोटने के बाद बाप ने मेट्रो के आगे लगाए छलांग, मौत। अब रुक करते हैं खेल जगत की बड़ी खबरों पर। आर्मर ने तोड़ा 6 साल पुराना विश्व रिकॉर्ड, 6.17 मीटर के साथ पोल वॉल्ट में रिकॉर्ड को पछाड़ा। प्रजनेश और नागल करेंगे बेंगलुरु ओपन में भारतीय चुनौती की अगुवाई, आज से शुरू होंगे मुकाबले। पाक घुड़सवार ने घोड़े का नाम रखा आजाद कश्मीर, कानूनी कार्रवाई की तैयारी में भारतीय ओलंपिक संघ। सरकार के मंजूरी के बिना विश्व कबड्डी चैंपियनशिप के लिए पाकिस्तान पहुंची भारतीय टीम, हुआ बवाल। भारत की बेटी ने एशिया के बाहर सबसे ऊंची चोटी पर फहराया तिरंगा। अब नजर डालते हैं मनोरंजन जगत की बड़ी खबरों पर। दिशा और आदित्य की जोड़ी ने तीसरे दिन भी दिखाया कमाल, शिकारा को मिला रविवार का फायदा। आपसी पन्नू की फिल्म थप्पड़ का ट्रेलर देख भावुक हुई स्मृति ईरानी। वलूशा को मिला वेब सीरीज में बड़ा मौका, निर्देशक अपूर लखिया ने साकिब सलीम के साथ किया साइन। टेलीविजन शो नजर से मोनालिसा का पैकअप, नए सीजन में श्रुति को मिलने जा रही परलौकिक शक्तियां। कबड्डी के पंगे के बाद आप देखिए बीटी मास्टर की छलांग, राजकुमार राव ने साझा किए दिलचस्प किस्से। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे अलाइव 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।